भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी यादव ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवपुरी में जहां काउंटिंग हो रही है, मतगणना स्थल है, वहां पर उन्होंने हल्ला बोल दिया है। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन शिवपुरी, जिला प्रशासन गुना और अशोकनगर के कलेक्टर उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कलेक्टर ने उन्हें अभी तक किसी भी रुझान के बारे में नहीं बताया है। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टर केपी यादव जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया से 50,000 से ऊपर मतों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये मोर्चा खोल दिया है। वहीं केपी यादव का यह भी आरोप है कि प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है। देखने लायक होगा कि प्रशासन इनके सवालों के क्या जवाब दे पाता है। एक राउंड हुआ है अभी तक, वहाँ के सेकेंड राउंड का भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। कलेक्टर मैडम एक घंटे से गायब है। उन्हा के जो कलेक्टर हैं लक्ष्यकार जी, उनकी मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग में भी दिया था, वहाँ का गुना का अभी तक सेकेंड राउंड भी मुझे नहीं बताया गया है। पहला राउंड जो बताया था उसमें बहुत अच्छी बढ़त है गुना में। मुझे मिले हैं 5,746 और सिंधिया जी को मिले हैं 1,504। लेकिन तब से जो है चार चार पांच पांच राउंड सभी जगह के हो गए, लेकिन गुनाह का पूरा रोक के रखा है इन्होंने। क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा। कलेक्टर मैडम से बार बार पूछा तो उठ के चली गई है। एक घंटे से कलेक्टर मैडम भी वहाँ नहीं है। एडीएम जी बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनसे जो अंदर है मैं बोल रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। ठीक है, और अभी तक गुनाह के बारे में कोई जानकारी नहीं। निर्वाचन आयोग को शिकायत की फिर आपने? पहले भी कर चुका हूँ मैं। अभी क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? अभी बिल्कुल मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। हमसे आपको ही बताने आया हूँ, और मैं निर्वाचन में भी शिकायत करने वाला हूँ। कलेक्टर साहब की मैं पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। कोई बता रहा था कि धरने पे भी बैठने वाले हैं आप आधा घंटे बाद। ये आपको गलत जानकारी।